होता था वो वाला फॉर्मूला सर, तो सर एपी याद आ गए तुम्हें? नहीं कल टेस्ट है ना पूरा टर्म टू का, तो उसके लिए वो फॉर्मूला अभी पूछा मुझे था। याद नहीं आ रहा क्वेश्चन, अगर तुम बता दोगे तो मैं बता दूंगा। फॉर्मूला कुछ नहीं था, जैसे सम ऑफ टर्म दे रखा है, तो सपोज कीजिए कि आपको 15 टर्म का सम दे रखा है, कि 15 टर्म का सम, सॉरी 15 टर्म ये है और 16th और 25 टर्म ये है, दोनों दोनों दे रखे। सो आप लिख लीजिए कि मतलब ए प्लस 15D और ए प्लस 25D, ये 26 टर्म है, ये 16 टर्म है। सपोज कीजिए ये आपको दे रखी है एक्स और ये दे रखी है वाई, और आपसे तो सिंपल था कि आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, मतलब ग्रेटर नंबर में से शॉर्टर नंबर को माइनस कर दीजिए, और वो बराबर होता था n2 - n1 into d इज इक्वल्स टू एन टू मतलब नंबर ऑफ टर्म्स में से जब माइनस करोगे, इनटू डी इज इक्वल्स टू a n2 - a n1 के बराबर होता था, मतलब ओके सब सर, ठीक है, ऐसे कुछ था, यही था फॉर्मूला एक्चुअली। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दो क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से। क्वेश्चन सी सर। सी द अदर स्टूडेंट्स, कोई और जवाब देगा बोलिए। अगर ये 30 डिग्री एंगल है और मैं इसे ऐसे मिला देता हूँ, ऐसे मिला देता हूँ, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है तो आपसे पूछा गया है एटी कितना होगा, बताइए। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, चाहे तो आप टिग्नोमेट्री भी कर सकते हैं। टिग्नोमेट्री लगाइए, आपको पता है कि आपको दिस अपॉन दिस होता है कॉस, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 इज इक्वल टू होगा 80 अपॉन 4, तो आप यहाँ पर कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 80/2 सॉरी 4, 4 इसको कट कीजिए विल गेट 2, 2 से चला जाएगा तो दैट विल बी 2√3। इस तरह से आप इसमें कॉस लगा के भी कर सकते हैं, चाहे तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके भी इसको कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 7। हंड्रेड डिग्री कितना होगा 100, कैसे, 40 40 100। गुड। अगर ये 40 है तो इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एंगल, ठीक है, सो इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एंगल एस 40, तो ये कितना होगा, दैट वुड बी, ये पूरा 90 होता तो ये 40 होगा, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो ये क्यों होगा 40, क्योंकि रेडियस से दोनों तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो फिर ये कितना होगा 100 होगा। गॉट इट, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए फटाफट से।
25. आपसे ए ओ बी पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि अगर ये 50 होता है तो ये कितना होता है, इन दोनों का सम कितना होता है? 130, मतलब 180. 180, तो दैट वुड बी 130. ठीक है, अब आपसे कौन सा एंगल पूछा गया है, ये वाला ओ ए बी, तो ओ ए बी कितना होगा, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो बच कितना रहा है हमारे पास, 50, जिसमें से 25. समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करते जाइए, फटाफट से. नेक्स्ट नाइन्थ, If the two tangents incline at an angle of 60 degree and are drawn at a radius of 3 cm, the length of each tangent कितना होगा? बताइए फटाफट से. बोलिए. If the two tangents incline at an angle of 60 degree, बेटा दो tangent है वो आपस में 60 degree पर incline कर रही है ऐसे. ठीक है, अगर ये दो टेंजेंट है और ये आपस में 60 डिग्री पर इंक्लाइन करती हैं, एंगल ऑफ सर्कल ड्रॉन टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ये है, तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, बोलिए, अगर ये 60 डिग्री पर इंक्लाइन कर रही है तो बोलिए, तो बोलिए 30 होगा कि नहीं होगा बीच में अगर बाइसेक करेंगे तो, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं. ठीक है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड कॉमन और ये साइड इक्वल, तो कॉन्ग्रेंट होंगे, तो ये वाला 30 होगा तो ये भी 30 होगा अगर ये पूरा 60 है तो लगाइए इसमें क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, टेंजेंट मतलब इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसमें इसमें क्या रिलेशन होता है जल्दी बोलो, साइन का रिलेशन होता है, तो साइन 30 इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ होता है, तो हाफ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसको मान लेते हैं x, तो 3/x, तो कितना हुआ बोलो, एक चीज सर, हाँ बोलो, ये साइन का क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना इस तरह से, हाँ तो cos वो tan लगेगा ना, माय गॉड, यहाँ पे तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा, जो नॉर्मली हम लोग गलती करते हैं वो ये, 90 डिग्री तो ऊपर बन रहा है, हाँ 90 डिग्री ऊपर बन रहा है, तो हम लोग को क्या करना होगा, वी हैव टू यूज दिस वन एंड दिस वन, तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, ये जो टेंजेंट एक्चुअली ये बेस है, तो अभी आपको यूज इट टेन थीटा, सो अभी हम टेन थर्टी यूज करेंगे, टेन थर्टी इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये हाइपोटेनियस है ना, ये सामने वाली हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो किस में होती है, कॉस में और साइन में होती है, तो उसे हटा दो, तो दिस अपॉन दिस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 3/x, तो टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होगी, बोलिए 1/√3, दैट वुड बी 3/x, तो आप x को इधर ले जाइए, तो दैट वुड बी x इज इक्वल टू 3√3, समझ आया सर, मैंने तो आंसर दे दिया था, आपने बोला कि नहीं, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बेटा, सबको समझ आ रहा है कि हवा में जा रहा है, बोलो पहले मुझे बताओ, सबको समझ आ रहा है, ओके तनिष्का, वेरी गुड बेटा, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे आंसर्स, चलिए मुझे क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, समझ आया, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ इट इज गिवन इन इफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ टेंजेंट, पी क्यू आर एक टेंजेंट है टू अ सर्किल एट Q, जिसमें दे रखा है आपको, इट इज बीइंग गिवन टू यू के एट Q whose circle is at O point, जिसमें गिवन है Q पर सेंटर ये दे रखा है, AB is a chord, एक chord है जो कि पैरेलल है किसके, BP के, ओके,
Ayan is saying 40. Okay. So ये angle आपको 70 दे रखा है. आपसे पूछा गया है angle AQB. AQB. ये पूरा angle आपसे पूछा गया है कितना होगा. So जाहिर सी बात है कि okay, Tanish is also saying 40. चलो ये कितना होगा 20. भाई ये टेंजेंट है, रेडियस से आ रहा है, तो ये 20 होगा. होगा कि नहीं होगा बोलो. यस सर. यस सर. फिर अभी हम लोग बोल सकते हैं कि टेंजेंट ड्रॉन, अभी यहाँ पर आपको ये वाला एंगल गिवन है और ये इसके पैरेलल है, तो आप ये वाला एंगल कैसे प्रूव करोगे कि इसके बराबर ही होगा. मतलब ये एंगल कैसे प्रूव करोगे कि ये साइड बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को. बताइए. तो दिख रहा है कि 40 होगा, चलो मान लेते हैं. तो लेकिन ये कैसे प्रूफ करोगे कि ये तो ये टेंजेंट पैरेलल है इसके. तो जाहिर सी बात है अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल और ये एंगल पूरा कितना होगा 90. वैसे भी ये 90 है सर. अंदर वाला आपको कैसे पता 90 है? कौन सा वाला? वो जो ए और बी के बीच में जो एंगल बनाया आपने, ये वाला. ये पूरा 90 थोड़ी बोला है मैंने. मैंने तो सिर्फ इतना बताया कि ये 90 है इतना, तो ये 20 होगा. ठीक है, मतलब ये 70 मिला करके 20 हो गया. ठीक है. अच्छा, अब आप इसको एक कॉर्ड सेंटर से जाती है तो वो बाइसेक्ट करती है दूसरे सर्कल को, ये तो हमें पता है. अब इसको आपको 40 तो खैर इसका आंसर ही होगा, लेकिन इसको हम लोग को प्रूव करना होगा कि कैसे हम लोग इसको डिटेक्ट कर रहे हैं. मतलब आंसर तुमने 40 लिख दिया, सपोज कीजिए कि ये 70 दे रखा है और ये साइड इसके पैरेलल है, तो आपको पता है कि अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा. ठीक है, और अगर ये 90 है सो अभी आपको पता है कि पूरा जो है एंगल वो कितना है हमारे पास 180 डिग्री. ये पूरा 180 है, तो अगर ये इतना 70 है तो हम लोग इसको कर सकते हैं कि ये एंगल जो होगा 70 दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ये वाला और ये वाला मिलकर के भी कितना होगा, एक मिनट एक मिनट बेटा, इसको हम लोग करते हैं. ठीक है, मेरा ध्यान से जरूरी है क्वेश्चन. इसको प्रूव कैसे करोगे कि ये बाइसेक कर रहा है, ये तो इम्पोर्टेंट बात हो गई ना इसमें. सो सपोज कीजिए कि ये 70 है. ठीक है, ये हमारे पास 70 है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम जो होगा वो ऐसे एक्सटेंड करोगे तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो यहाँ पर आ गई. कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना प्रूफ कर दोगे तुम इसमें. ओके, कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करनी पड़ेगी आपको जहां तक उम्मीद है इसमें. देखो ए बी क्यू, ए बी क्यू और बी क्यू आर, ए बी क्यू और बी क्यू आर, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे बोलो. मतलब अगर आपको दिख रहा है कि जेड की फॉर्मेशन हो रही है और पैरेलल गिवन है, तो मैं बोल सकता हूं कि ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट है. एक मिनट, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्यों होगा बताइए जरा मुझे, व्हाई क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूं आगे, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड की फॉर्मेशन हो रही है. ठीक है, तो ये 70 डिग्री हो गया. अच्छा, अगर ये 70 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा बताइए, क्या ये भी 70 डिग्री होगा? बोलिए. अच्छा चलो, ये बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा, 90, तो ये भी 90 होगा. यस सर, है ना. अच्छा, ये भी 90 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 20 डिग्री. ये तो तुमने प्रूफ कर दिया कि चलो ये 20 हो गया. वैसे भी पता है कि इसके 20 ये बराबर है, तो ये दोनों के बराबर पहले 90 डिग्री 20 डिग्री होगा. अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आगे, ठीक है, अब देखो तुम ट्रायंगल QDA को देखो, QDA, ठीक है. यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर D बना देते हैं और यहाँ पर QDA, ठीक है, हाँ, Q
क्यू डी ए, तो इस वाले ट्रायंगल में, और अगर मैं बात करता हूँ क्यू डी बी में, ये दोनों ट्रायंगल में, क्या हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? बोलिए, एडी कॉमन हो गई दोनों में? यस सर। सॉरी सॉरी, क्यू डी कॉमन हो गई है दोनों में? यस सर। क्यू डी, और क्या, अच्छा क्या अगर रेडियस से कोई एक एंगल मतलब 90 डिग्री बनाता है तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, ये भी एक रूल yes, है, ठीक है? तो ये वाली साइड इसके इसके बराबर हो गई, ठीक है, और ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, congruency, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, तो फिर ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा, समझ आया? इस तरह से पहले तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू नीड टू प्रूफ दिस वन, ऐसे नहीं कि अंदाजे से आपने लिख दिया दिख रहा है। तो इसमें सिंपल हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 70 है तो दिस विल बी आल्सो 70 अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है, ये 90 है और ये भी 90 है, ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि इन दिस ट्राइंगल एंड इन दिस ट्राइंगल दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, क्यों? क्योंकि अगर एक रेडियस सामने वाली साइड पर 90 डिग्री एंगल बनाता है तो वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, तो हम यहाँ पर ए डी इज इक्वल टू बी डी रख लेंगे, और ये वाली साइड कॉमन हो गई और ये 90 डिग्री हो गया, तो साइड एंगल साइड से आरएचएस मत लगा देना इसमें, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो फिर ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये एंगल अगर 90 है और ये 70 है तो ये 20 होगा, तो ये भी 20 होगा, तो पूरा एंगल कितने का हो जाएगा? 40। अच्छा चलो, ये तो हम लोग, सबको समझ आया ये? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो? अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग, मुझे याद आया कि पिछली क्लास में हम लोग कर रहे थे और फिर टाइम हो गया था, तो शायद वो फिफ्थ क्वेश्चन था क्योंकि हम लोग ने सिक्स से स्टार्ट किया है, तो उसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, तो लेट्स डू दिस वन। चलो, ये वाला क्वेश्चन था कि एट वन, अगर हम लोग मान लेते हैं कि दिस क्वेश्चन इज बीइंग गिवन टू यू, कि अब हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल से ए बी एक कॉर्ड है, ए बी डायमीटर है, सॉरी ए बी इज द डायमीटर, ऐसे एक ए बी डायमीटर है, और एक्स ए वाई आपसे ऐसे कॉर्ड गई हुई है, पिछले क्लास में हम लोग कर रहे थे इसको, एक्स ए वाई, ओके, एंड दिस इज ए बी इज द डायमीटर, और एक अलग से कॉर्ड बनाई गई है जो कि यहाँ से इस पर ऐसे बनाई गई है, और इस ये दो कॉर्ड आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल हैं, तो आपसे पूछा गया कि सी बी कॉर्ड की लेंथ बताइए जो कि पैरेलल एक्स वाई के, और इन दोनों कॉर्ड के बीच में कितना डिस्टेंस है, बोलिए कितना है, जो बोलो 8 सेंटीमीटर, तो बोलो अगर ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल का डायमीटर रेडियस है तो ये कितना होगा? 3। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 3 हुआ, तो बोलिए कि अगर ये 3 है और ये 5 है तो ये कितना होगा? 4। पाइथागोरस थ्योरम जो बनाती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो बनाती है, अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि 90 डिग्री, है ना? पैरेलल में एडजेसेंट इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, तो हम बोलेंगे अगर ये 5 है, ये इतना 5 है और ये 3 है हमारे पास, तो ये कितना होगा? 4। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर मान लो, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो यू कैन गेट 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 4। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, तो ये आंसर आ गया, समझ आया? बोलो आया कि नहीं आया? Yes sir. Do anyone have any doubt? No sir. Okay. Let's move to the next part of this question. हम लोगों ने ये तो कर लिया, अब हम लोग चलते हैं प्रूफ की तरफ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन फील करते हैं, तो चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग को प्रूफ करना है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बताइए मुझे कि ये गिवन है आप लोग को कि इन फिगर बी ओ ए इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, बी ओ ए इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल एंड अ टेंजेंट पी मीट्स बी एक्सटेंड करके ऐसे बना दिया गया है, इफ ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो आपसे पूछा गया है एंगल पी टी ए बताइए, पी टी ए बताइए, ये वाला एंगल को आपसे पूछा गया है, तो बताइए ये एक डायमीटर है, ये एक डायमीटर है, ओ ए बी ए इज अ डायमीटर, तो अगर ये डायमीटर है तो बताइए ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। वेरी गुड, अगर ये 90 डिग्री है पूरा, तो आपको ये वाले एंगल की जरूरत पड़ेगी उसको निकालने के लिए,
क्योंकि 180 में से माइनस कर देंगे ना पूरा निकालने के लिए। अच्छा चलो बताओ तो ये एंगल कितना होगा? बोलिए। अच्छा ये 90 क्यों होगा, मैं पहले बता देता हूं कि अगर आप एक कॉर्ड जो है जो एंगल सेंटर पे बनाती है, मतलब कोई एक कॉर्ड अगर सेंटर पे जो एंगल बनाती है तो वही उसका उसका हाफ जो बनाती है वो, अगर ये एंगल 2x है तो उसका हाफ सर्कमफेरेंस पे बनाती है, ठीक है। तो अगर इस कॉर्ड को मैं बिल्कुल डायमीटर से पास कर दूं तो ये यहाँ पर कितना एंगल बनाएगी, अगर ये कॉर्ड में डायमीटर मान लूं तो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 180 डिग्री, तो यही कॉर्ड सर्कमफेरेंस पर कितना बनाएगी 90 डिग्री, तो इसलिए ये 90 डिग्री यहाँ पर बना रही है, ओके। जस्ट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज 90। तो ये 30 ये 90 तो ये कितना होगा बोलो, टेल मी फटाफट से बताएं, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस 30 प्लस 90 माइनस 180 कितना आएगा बोलो भाई, जवाब नहीं है क्या? क्या सर सुनाई नहीं है, ये एंगल कितना होगा ये वाला 70, 90 प्लस 30 कितना 120 पे ये कितना हो गया 60 सॉरी सर 16 ओके 60 चलो। अच्छा ये एंगल अगर 60 है ओके, इफ दिस एंगल इज 60 ओके, इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो आप मुझे बताइए कि ये एंगल और ये एंगल का सम 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है 60 डिग्री होता है, होता है कि नहीं होता है? बोलो यस सर, है ना। तो ये अगर मैं x मान लेता हूं और ये अगर मैं y मान लेता हूं तो इन दोनों का सम कितना है, ठीक है, x plus y is equals to 60, तो अगर x plus y की वैल्यू 60 है ओके, अब क्या गिवन है क्वेश्चन में, आपको गिवन है कि BOA is a diameter of the circle of radius and a tangent at a point P meets BA extend to T. BA जब extend कर देगा T तक तो ये angle 30 degree बना रहा है, okay? Okay. ये angle 30 then PT is equals to कितना होगा? अच्छा हम लोगों ने इसको extend किया है, अच्छा, okay. अच्छा ये एक tangent है, PTA is a tangent, ठीक है? टेंजेंट पी मीट्स एट पी, ठीक है। तो ये एंगल पूरा कितना होगा बोलो, ये यहां से लेके यहां तक का एंगल पूरा कितना होगा, दैट वुड बी 90 डिग्री, ये इतना 90 है, ओके चलिए। तो फिर आगे कैसे करेंगे हम इसको, ध्यान से देखते हैं। ओके एक्स प्लस वाई आपको 60 डिग्री गिवन है, यानी दिस एंगल इज, इफ दिस एंगल इज एक्स देन दिस विल बी 60 माइनस एक्स। अच्छा अगर ये एंगल यानी x plus y इक्वल टू 60 डिग्री अभी हमारे पास है, x plus y इक्वल टू 60 और ये पूरा एंगल यानी 2y, अगर मैं इसका 2y कर दूं तो ये पूरा एंगल का कितना होगा, दैट वुड बी दी अच्छा क्या हम ये वाला एंगल पता कर सकते हैं, ये एंगल कितना है, बोलिए ये पूरा एंगल कितना होगा, ये एंगल पूरा कितना होगा। तो अगर मेरे पास ये 30 है और ये पूरा 90 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, तो ये पूरा इस तरफ 90 यहाँ 90 है और ये भी 90 है, तो ये 180 माइनस, चलो इसको मैं जेड मान लेता हूँ, तो 90 माइनस जेड बाई टू इज इक्वल्स टू बराबर होगा किसके, दैट वुड बी इक्वल टू वाई, वाई नहीं एक मिनट, 180 माइनस वाई, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है ना, तो मैं इसको
क्वाड्रेटर बी नहीं बन रहा है. डू एनीवन हैव एनी आईडिया रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन? यस सर, वो नीचे जाके देख सकते हैं, कुछ सैंपल क्वेश्चन है ना. नहीं सैंपल से मतलब नहीं है, वो मतलब नहीं, नीचे जाके क्यों देखें, ट्राई करो, दिमाग को एनहेंस करो. ऐसे तो कोई भी देख के कर ले, अभी ट्राई करो, एनहेंस करो माइंड को अपने, कि अगर ये 30 है, हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है PBO, अच्छा PTA एंगल पूछा गया, PTA ये एंगल हमसे पूछा गया है, और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है. BOA इज अ डायमीटर, BOA इज अ डायमीटर. अच्छा ये अगर R है तो ये भी R होगा, सो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी होगा. अच्छा मिल गया, देखो बताओ ये वाला पूरा एंगल कितना है. ये एंगल 30 है तो ये पूरा कितना था, 90 था. यस सर. अरे हाँ 90 था, ये पूरा 90 था. ठीक है ये पूरा 90 था. तो अगर ये 30 है तो ये एंगल हम लोगों ने 60 निकाला था. यस सर. तो अगर ये 60 था तो ये इतना कितना होगा, ये भी 60 होगा क्योंकि ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगा है, नहीं है बोलो रेडियस. हाँ सर. तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो इतना एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा. यस सर. अगर ये 60 है, ये 60 है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री. अच्छा ये तो ये भी 30 डिग्री एंगल होगा क्योंकि इसका और इसका सम दोनों का मिला करके एक्सटीरियर एंगल है, तो 30 होना चाहिए. तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा. समझ आया, फिर से समझाऊं? चलो मैं फिर से समझाता हूँ कैसे होगा. देखो फिर से ध्यान से समझ लो बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, दिमाग को एनहेंस करना सीखो. चिटिंग आगे सर मुझे तो. देखो ये 30 है तो ये पूरा 90 होगा. क्यों होगा 90? क्योंकि जो एंगल अगर ये 180 बना रहा है यही कॉट, तो ये कॉट सर्कमफ्रेंस पर 30 डिग्री बनाएगी, सॉरी 90 डिग्री बनाएगी. अगर ये 180 डिग्री है पूरा, तो ये यही कॉट सेंटर सर्कमफ्रेंस पर 90 बनाएगी. अच्छा ये पूरा 90, यहां से लेके यहां तक ये आर है, तो ये भी आर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. सो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से ये 30 है, ये पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो दिस प्लस 90 प्लस 180 में से माइनस करोगे तो ये 60 आ जाएगा. अच्छा ये 60 है तो ये कितना होगा, ये भी 60 होगा, ये 60 होगा क्योंकि ये दोनों एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये एंगल जितना होगा उतना ये वाला एंगल भी होगा. अच्छा ठीक है, तो ये वाला एंगल मिलाकर के और ये दोनों एंगल के बराबर होगा. तो अच्छा ये वाला एंगल क्यों, अगर तो ये एंगल कितना होगा, तो ये पता है कि टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये पूरा 90 होगा. तो ये 90 इतना 60 है, तो ये पूरा कितना हो गया, 30. तो ये 30 है, तो बाकी बचा हुआ ये भी 30 होगा. समझ आया सबको? समझ आया? चलिए यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा.
यू डिड इट किया आपने, बोलो आवाज आ रही है? क्या दे रखा है क्वेश्चन में? इट इज बीइंग गिवन टू यू के PQL, देखो PQL और PRM आपको दो टेंजेंट गिवन है विद अ सर्किल विद सेंटर O, जिसका सेंटर कितना है बेटा, O है, एट अ पॉइंट Q एंड R रेस्पेक्टिवली एंड सच दैट अ पॉइंट ऑफ अ सर्किल, ये गिवन है कि ये 50 डिग्री एंगल आपको, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है, सिंपल आपसे पूछा गया है कि एंगल, देन एंगल QSR इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्या प्रूफ करना है? अच्छा ये प्रूफ करना है कि एंगल QSR ये वाला एंगल क्या QSR इज इक्वल टू 40 डिग्री QS ये वाला एंगल 40 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है? सो क्या हम प्रूफ कर पाएंगे, बोलो? अच्छा ये फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है मतलब, ठीक है? फॉल्स सर। देखो कैसे 40 डिग्री हो नहीं सकता, देखो अगर ये 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल 50 डिग्री है तो बताइए ये वाला एंगल कितना होगा पूरा, बोलो बोलो कितना होगा जल्दी से बेटा भाई, पूरी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री है तो ये 50 है तो ये कितना होगा 130। यस सर 130, तो ये बताओ ये कितना होगा, तो पता है रेडियस के साथ इतना पोर्शन जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा इतना अंदर का, बोलो 40 डिग्री, ठीक है? या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई ये पूरा 90 डिग्री होगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये 40 डिग्री होगा, तो ये 40 है, ठीक है? और तो सिमिलरली ये वाला एंगल कितना होगा, बोलिए? ये भी 30 होगा, ये 30 डिग्री होगा, ठीक है? क्योंकि रेडियस के साथ आ रहा है तो ये 30 डिग्री होगा। अच्छा ये 40 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 30 है, अच्छा तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि भाई ये वाला ऐसे 30 है तो ये वाला एंगल भी, और ये वाला ये 40 है तो ये भी 40 होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है तो ये 40 होगा, ये भी 40 होगा, तो कितना होगा बोलो मिलाकर के पूरा कितना होगा, 70 डिग्री, कितना होगा 70 डिग्री, गॉट इट? समझ आया QSR एंगल की वैल्यू कितनी होगी, समझ आया बेटा? यस 70 डिग्री, ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ट्रू एंड फॉल्स पर आते हैं। ट्रू एंड फॉल्स जो होते हैं ना, ये ना एक तरह से आपका कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर करते हैं, तो इसलिए हम लोग को इसको अच्छे से समझना चाहिए, इनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं इसको एक स्लाइड पर ले लेता हूं पहले अलग से, ताकि रफ मिल जाए करने के लिए, ठीक है? और फिर हम लोग इसको करते हैं, ओके चलो। सो मैं इसको कर लेता हूँ स्लाइड पर, ओके चलिए बेटा ट्रू एंड फॉल्स बताइए कि किस में कब ट्रू होगा कब फॉल्स होगा, चलिए बताइए। ये मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे ले लिए हैं। अब आप मुझे बताइए कि इफ अ कॉर्ड ए बी सबटेंड 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ए बी इज 60 डिग्री। यस सर। ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर। अगर कोई एक 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 टेंजेंट है, इफ अ कॉर्ड ए बी सबटेंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, भाई सेंटर पर अगर 60 डिग्री एक कॉर्ड जो है
सेंटर पर अगर 60 डिग्री कर रही है, सपोज कीजिए इफ अ कॉर्ड ए बी सब्सटेंड 60 डिग्री एट द सेंटर, ए 60 डिग्री इसने सब्सटेंड किया है, इफ अ कॉर्ड ए बी सब्सटेंड 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ए बी इज ऑल्सो 60 डिग्री. Angle between the tangent A, if a chord AB subsists, tangent B AB आगे तो angle between tangent. Sir. हाँ. Sir, मैं इससे leave कर रहा हूँ, उससे join कर रहा हूँ, आप क्या वो enter कर सकते हैं? कर दिया. Thank you sir. चलो, if a chord AB subsists 60 degree at the center, अगर center पर 60 degree angle subsists कर रही, यहाँ पर 60 degree कोई chord जो है वो at the center पर कर रही, then the angle between the tangent. Tangent and A and B at A and B. अच्छा A और B पर. तो मान लेते हैं angle between the tangent at A and B. वो भी 60 degree होगा. तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 30 नहीं होगा. ये कैल्कुलस ट्रायंगल हो जाएगा, फिर ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा. तो ये कितना होगा? 30 डिग्री. सर क्वेश्चन को ही ना एक तरह से समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है. एंगल बिटवीन द टेंजेंट ए बी, एंगल बिटवीन टेंजेंट एट ए एंड बी. क्या पूछ रहा है? अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? 120 डिग्री होगा. सो सर हाँ बोलो. वैसे तो वो टेंजेंट ए बी पे 90 डिग्री होगा ना. हाँ तो ये नहीं, वो ए और बी पे ऐसे ही बोल रहा है, लैंग्वेज थोड़ी सी इम्प्रॉपर है तो समझने की बात है. ए और बी पे पूछ रहा है तो ये 120 डिग्री होगा, तो ये फॉल्स है. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ. The length of a tangent from an external point of a circle is always greater than the radius of the circle. क्या पूछ रहा है? बोलो तनिष्क का जवाब दो इसका. सैयद True. The length of a tangent from an external point on a circle is always greater than the radius of the circle. So यहाँ पर आपको given है, suppose कीजिए. False भी हो सकते हैं. The length of a tangent from an external point. Suppose कीजिए कि हमारे पास कोई एक external point है, वहाँ से जो tangent है, ऐसे draw कर दी गई है, on a circle is always equal or greater than the radius of a circle. अरे जाहिर सी बात है यार, external point आने के लिए अगर मैं tangent को draw करता हूँ, तो suppose कीजिए मुझे इस point से यहाँ तक तो मेरे पास radius ही होगी. तो अगर external point कहीं भी जा रहा है, तो tangent suppose कीजिए ये है, तो tangent आपको कहीं भी draw करनी होगी. ठीक है? Is always greater than the radius of a circle. अभी आपको इस external point से tangent को draw करना है. Suppose कीजिए ये draw कर दिया आपने tangent. तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये radius है और ये radius है, तनिष्का क्या बोल रही है? False. Okay. तो क्वेश्चन नंबर टू में भी हम लोग फॉल्स ही बोलेंगे, क्योंकि टेंजेंट जो है बहुत ही पास हो सकती है. देखो मैं दिखा भी देता हूँ कि अगर सपोज कीजिए कि एक सर्कल है हमारे पास, और ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर एक रेडियस है, 5 सेंटीमीटर ये है और 5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इससे मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो टेंजेंट तो मैं इतनी छोटी भी ड्रॉ कर सकता हूँ किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से. सपोज कीजिए मेरे पास ये यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, तो मैं इतनी भी एक टेंजेंट यहाँ पर भी ड्रॉ सकती है, या बिल्कुल पास में ही ले लेता हूँ. ठीक है, तो दैट वुड बी लाइक दिस. सो लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट कैन बी शॉर्टर देन द रेडियस ऑफ अ सर्कल. तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ इज ऑलवेज लेस देन ओपी. अब बताइए इसका जवाब. अगर हमने मान लिया सेंटर ओ है और पूछ रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट पी मान लेते हैं. ठीक है, सो अगर मैं इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, सपोज कीजिए ऐसे, ठीक है, विद सेंटर ओ,
ठीक है, तो ये P पॉइंट है और इसका सेंटर O है, तो ये पूछ रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P फ्रॉम अ सर्किल विद सेंटर O इज ऑलवेज लेस देन OP, बताइए ट्रू होगा कि फॉल्स? फॉल्स। क्यों? 5 से छोटा है वो। इज ऑलवेज लेस देन और इज ऑलवेज लेस देन OP। तो देखो ये चीज अगर मैं बात करता हूँ कि लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, क्या पूछा है क्वेश्चन पहले देख लो क्या बोल, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑन अ सर्किल इज लेस इज ऑलवेज लेस देन OP। तो पहले OP क्या होगा, OP क्या होगा पहले आप इसको डिफाइन कीजिए कि OP क्या होगा। तो अगर मैं OP को डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ पर, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। सो मैं यहाँ पर मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है, और ये सेंटर O है और P एक पॉइंट है, ठीक है, P एक पॉइंट है जाहिर सी बात है, और ये 90 डिग्री बनाएगा, कहीं भी टेंजेंट जब ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट 90 डिग्री बनाएगा। तो OP की जो लेंथ होगी, क्योंकि 90 डिग्री तो उसको बनाना ही है हमेशा ना, 90 डिग्री तो हमेशा ही बनाना है, तो एक तो हमारे पास है पी ओ या OP, और एक हमारे पास मान लेते हैं टी पॉइंट पे टच कर रहा है, तो मान लेते हैं पी। अब आपको पता है कि ये हाइपोटेनियस है, ये क्या है, हाइपोटेनियस है, दिस इज हाइपोटेनियस, एंड हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टू साइड्स। तो चाहे कैसे भी बनाए, अगर ये मतलब किसी भी तरह से बनाएगा, अगर मैं मान लेता हूँ कि यहां से बना रहा है एक्सटर्नल पॉइंट और ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है पीओ या ओपी, तो इसको अगर रेडियस से मतलब इसको टच करना होगा सर्किल से, सर्किल से, तो 90 डिग्री बनाएगा, तो 90 डिग्री बनाएगा, तो जाहिर सी बात है ये जो पीटी लेंथ यानी टेंजेंट की जो लेंथ होगी ये ऑलवेज शॉर्टर होगी देन ओपी से। तो ये बात ट्रू है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट यानी पीटी की जो वैल्यू होगी पीटी इज ऑलवेज शॉर्टर देन ओपी। क्यों होगी? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा हाइपोटेनियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन दी, तो दिस इज ट्रू। समझ आया? हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर देन दी अदर टू साइड्स, गॉट इट? समझ आया? हाँ या ना? यस सर। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट टू अ सर्किल मे बी 0 डिग्री हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलो। बोलिए, जवाब दीजिए भाई फटाफट से, वी डोंट हैव ऑल डे। नो, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ऑफ अ सर्किल मे बी 0, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स के बीच में जो सर्कल्स होती है क्या वो 0 हो सकता है? बोलिए, तो फिर वो दो टेंजेंट नहीं माने जाएंगे ना, एक ही टेंजेंट माने, वो एक ही टेंजेंट होगा, है ना, वो एक ही तो टेंजेंट माने जाएगी, टू टेंजेंट यानी इसी के ऊपर ओवरलैप करनी पड़ेगी तुम्हें 0 डिग्री एंगल बनाने के लिए, ठीक है, तो फिर एक ही टेंजेंट हो जाएगी, टू टेंजेंट्स तो नहीं मानेंगे उसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर मैं जवाब बोलूं तो 4 का मुझे लगता है कि दैट शुड बी, लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ऑफ अ सर्किल, एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर जाएंगे बस जब भी पॉसिबल, लेकिन दो टेंजेंट नहीं होंगे, दो टेंजेंट तो नहीं माने जाएंगे, एक ही टेंजेंट माने जाएंगे, जैसे ए पी मैं मान लेता हूं तो एक ही टेंजेंट के ऊपर है, तो एक टेंजेंट के ऊपर दूसरी टेंजेंट अगर आपने ड्रॉ करी तब ये ट्रू है, तो इसमें लिख देना आप लोग ट्रू, ट्रू इफ इफ वन टेंजेंट coincide the other tangent, तो तब ये पॉसिबल है, समझ आया? तो क्वेश्चन नंबर 6 में जाइए, 5th में जाइए, if the angle between the two tangent drawn from a point P of a circle of radius A and the center O is 90 degree, then OP is equals to कितना होगा, बताइए?
if angle between two tangent, दो tangents के बीच में जो angle है, drawn from a point P to a circle, एक circle पर, of radius A with center O is 90 degree. Then OP is equal to कितना होगा? मान लेते हैं कि ये हमारे पास और ये हमारे पास एक दो टेंजेंट है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और तो सर्किल विद रेडियस है, उसका रेडियस जो है वो ए दे रखा है, मान लेते हैं ये ए रेडियस है, ये ए रेडियस है, ये ओ सेंटर है, ओके, विद सेंटर ओ, ठीक है, और ये जो दे रखा है दोनों के बीच में एंगल, दैट इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आपको गिवन है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये 45 होगा, बोलिए ये एंगल 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये 45 क्यों होगा, ये एंगल 45 होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा, ये सर 45 होगा, अगर ये 45 है तो आप इसमें लगा सकते हो, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये 45 है, तो दिस अपॉन दिस आपको टेंजेंट की लेंथ दिखाई ना, ओपी, ओपी, ओपी की लेंथ निकालनी, तो आपको ये और रेडियस में कनेक्शन निकालना, यानी ए की रिलेशन में बताना है, तो आपको ओपी यानी कि हाइपोटेनियस, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि ये कुछ इस तरह से, जिसमें आपको ये आपको परपेंडिकुलर ये दे रखा है, ये 90 और ये टेंजेंट है आपकी, ये टेंजेंट है, तो जैसे पी टी सॉरी हाँ पी टी एंड ओ, ये आपको गिवन, तो आपको ओपी की लेंथ जो होगी, तो ओपी इज इक्वल टू होगा सॉरी ए अपॉन ओपी इज इक्वल टू साइन 30 साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बोलो, 1/√2, ये आपको पता है ओपी की वैल्यू आपको पता है, तो ओपी को आप इस तरफ ले जाइए और रूट टू को इस तरफ ले जाइए, तो आप यू विल गेट ओपी इज इक्वल टू ए रूट टू, तो इसमें OP is equal to A root 2 दे रखा है, तो ये true हो गया, समझ आया, चलिए अब मुझे next बताइए, third वाला क्या possible है कि नहीं है, बोलिए six possible है, six में possible है कि नहीं है, जल्दी बताइए भाई, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, वी डोंट हैव ऑल डे, चलिए इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये गिवन है कि द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज 60 डिग्री, फिर से वो दे रखा है, आपकी बार इसमें सेंटर से मतलब 60 डिग्री दे रखा है, तो अगर ये एंगल 60 डिग्री होगा तो आपकी बार यही एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, अगर भाई दो टेंजेंट के बीच में एंगल 60 डिग्री आपको गिवन है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दैट विल बी 30 डिग्री, और ये आपको कितना गिवन है ए, तो आपकी बार फिर से ओपी की वैल्यू पूछिए, तो आपकी बार ये ए है और ओपी मान लेते हैं ओपी दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट पी, तो आपकी बार P जो है पॉइंट ये है इसमें और O इज अ सेंटर, O इज अ सेंटर, तो OP की लेंथ पूछिए, तो आप बताइए मुझे कि साइन दिस ये हाइपोटेनियस होती है, दिस इज हाइपोटेनियस, तो A अपॉन OP साइन 30 इज इक्वल टू A अपॉन OP, तो 1/2 इज इक्वल टू A अपॉन OP, सो AP कितना आ जाएगा, OP इज इक्वल टू आ जाएगा 2A, 2 टाइम्स ऑफ A होगा, समझ आया, यस सर, सो अब की बार ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स, समझ आया, यस सर, ओके चलिए, सो अभी हम लोगों ने ये कर लिया क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ध्यान से समझते जाना बहुत अच्छी तरीके से, एकदम भूलना नहीं है क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना है, चलो ये सिक्स क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, सेवेंथ क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ये रहा सेवेंथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, The tangent of a tangent to a circumference to the circumference of an isosceles triangle ABC at A in which AB is equal to AC, A and parallel to BC. क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर? हाँ तो बताइए true है कि false?
पूछा है क्वेश्चन में, टेंजेंट टू अस, टेंजेंट टू द सर्कमफेरेंस ऑफ एन एसक्यूएलएस ट्रायंगल एबीसी। अच्छा सरकम सरकम सर्किल है तो भाई सरकम फ्रेंड बोल रहा हूँ इसको। ABC equals to AC given it and parallel to BC. चलो इसको पहले मैं क्लियर करता हूँ और ढंग से इसको बनाता हूँ कैसे बनेगा ये। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी आइसोसेलेस को ना आइसोसेलेस तरह से ही बनाना चाहिए ताकि ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ में। मैथमेटिक्स का ये रूल भी है, जो ये वाले ना उसको उसी तरह से ज्यूम करो। सो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इस तरह से लगना ही चाहिए कि इक्विलेटरल है, और यहाँ से एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर रहा है, कुछ इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है और आपको कुछ इस तरह से बताना है। तो यहाँ पर गिवन है कि द टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी एट ए इन व्हिच एबी इज इक्वल्स टू एसी। तो ये ए है और ये आपको सॉरी ये ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। चलिए तो अभी आप मुझे बताइए बेटा इसका क्या जवाब होगा फटाफट से, ट्रू है कि फॉल्स? पैरेलल टू बीसी, इसमें पैरेलल होने में क्या दिक्कत है? पैरेलल तो आप किसी भी एक पॉइंट के कितने भी उसमें बना सकते हैं भाई। मैं एक टेंजेंट को ड्रॉ कर सकता हूं भाई जो इसके पैरेलल हो। यस सर। उसमें कौन सी है? इधर ट्रू है वो। सिंपल सा, कोई लॉजिक ही नहीं एक्चुअली। प्रूव भी कर सकते हो तुम इसको, ये वाला एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा, ठीक है? अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है? अब ये वाला एंगल तो मैं प्रूफ करना है कि ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल भी 180 माइनस एक्स होगा, 180 माइनस 2x, और मतलब इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग भी, तो प्रूफ हो गया कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 180 माइनस एक्स होगा, 180 माइनस 2x, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाला एंगल मान लेते हैं ये एंगल हमारा पास y है, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 2x होगा, और इसके अकॉर्डिंग भी x प्लस वाई प्लस मतलब ये 2x, तो सही है ना? समझ आया? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। यस सर। ओके 2a। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी ये क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सबको हम लोग को प्रैक्टिस करना है, बहुत क्वेश्चंस है इसमें भी, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज डू नॉट मिस द क्लास बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस। तो बहुत क्वेश्चंस हम लोग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आपको, क्योंकि ये ज्योमेट्री वाले जो होते हैं ना ये थोड़े से प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस होते हैं, इनमें दिमाग थोड़ा सा मतलब माइंड थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है हम लोग को, तो दैट्स व्हाई आई नीड यू। बहुत क्वेश्चंस हम लोग को बहुत प्रैक्टिस करने हैं अभी, सो प्लीज डू नॉट मिस द क्लास एनी। ओके अभी इसमें दो और तीन क्लासेस और लगेगी, फिर ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद दो ही चैप्टर हमारे रह जाएंगे शायद से ना। ओके चलो आज के लिए इतना ही, यू मे लीव द क्लास प्लीज।
डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू, इज आई ऑडिबल टू यू? मेरा आज हाउ आर यू? यस सर, हेलो, आई एम फाइन. आर यू फाइन? यस सर. चलिए तो अभी हम लोग चलते हैं और वेट कर लेते हैं हामना का, एक बार आ जाती है तो. हामना नई दिला मेरे दिला है इसका, हम अभी आने वाली होंगी. तो चलिए.